आइए आज हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की आसिंद तहसील में स्थित मालासेरी डूंगरी। यह भीलवाड़ा जिले से 60 किलोमीटर और आसिंद तहसील से 5 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में आसिंद शाहपुरा रोड पर स्थित है। मालासेरी डूंगरी प्राकृतिक की गोद में हरियाली की छटा बिखरती हुई बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है। इस डूंगरी की ऊंचाई लगभग 350 फुट की है। इस मंदिर में जाने के लिए करीब 125 सीढ़ियां बनी हुई हैं और उन पर लगे हुए हैं धूप व बरसात से बचने के लिए टीन सेट, जिससे कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। हमारे चैनल में आपको कई धार्मिक स्थानों की जानकारी यूं ही मिलती रहेगी। वैसे तो भगवान देवनारायण जी के 4 धाम हैं, लेकिन मुख्य धाम मालासेरी डूंगरी में है। यह भगवान देवनारायण जी की जन्मस्थली है। बताया जाता है कि भगवान विष्णु सिर सागर में विराजते हैं। सिर सागर से ही कमल का फूल निकला और कमल के फूल में ही देवनारायण जी का अवतार हुआ। जब बगड़ावत महाभारत युद्ध हुआ था, उसके बाद में यह सारी भूमि रक्त से रंजित हो गई थी। खारी नदी है जो रक्त से भरी थी। उसके बाद बगड़ावतों का सर्वनाश होने के बाद जब साडू माता बची थी, उसको भगवान विष्णु का वरदान था कि बगड़ावत खत्म होने के बाद में तुम मालासेरी डूंगरी जाकर मेरी तपस्या करना और मैं कमल के फूल में अवतार लेकर आऊँगा। उसके बाद में साडू माता ने यहाँ मालासेरी डूंगरी आकर अखंड तपस्या शुरू की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु देवनारायण के रूप में कमल पुष्प पर संवत 968 माघ सप्तमी को अवतरित हुए। इसी कारण माघ सप्तमी को भगवान देवनारायण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जब देवनारायण जी का जन्म हुआ तो उस समय मालासेरी डूंगरी पूरी तरह से कुछ पलों के लिए सोने की हुई। राजा इंद्र ने नन्ही बूंदों से बरसात की और 33 करोड़ देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यहाँ पर स्वर्ग से 5 कामधेनु गाय भी प्रकट हुई। इसलिए इस डूंगरी का महत्व विश्व विख्यात है। जैसे राम जी के लिए अयोध्या है, भगवान श्री कृष्ण के लिए मथुरा है, वैसे ही यह स्थान भगवान देवनारायण जी के लिए मथुरा और अयोध्या से कम नहीं, उसके समक्ष ही है। यह एक भारत के अंदर देवनारायण जी का विश्व विख्यात मंदिर है। यहाँ पर सभी समाजों के देव भक्त आते हैं और देव जी के दर्शन करते हैं, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह गुर्जर कुल में आने के कारण गुर्जरों के आराध्य देव कहलाए जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं मंदिर के बारे में। साहब साडू माता मालाहर की डूंगरिया में तपस्या कर रही थी। सब तपस्या कर रही भक्ति में बैठ गई। दाता मारा ने बगड़िया की मारा बाप का बचन हमारो हजूरा आपका। अशी में फैली जानती थारा बचना के लगाती लाए जड़ जाती भंवर भोज की लार। सिंधाड़े सब गुजरिया ने सचड्डो जाड़े मैं सचड्डा लेती जड़ जाती भंवर भोज की लार। पर थारा बचना की पाबंदी रहेगी। साडू माता ने देव जी महाराज भगवान खुद वचन दिया था वहाँ के घर है कि भाई सब गुजरिया जड़े तो जड़वा दीजिए तू मत जड़ जे भोज भगत की लार। थारे सदरो भगवान मैं थारे घर जोड़े में मालाहर की डूंगरियाँ वो थार ले जो भक्ति में बैठ गई। साडू माता बेटी बेटी रटरी भगवान आदि दादा भगवान ने क्यों दाता मारा ने बगड़िया कि मारा बाप का बचन हमारो हजूरा आपका। अशी में फैली जानते थारा बचना के लगते लाए आदेश कमल फूल अवतार मैंने भगवान अवतार लियो और मालाहर की डूंगरियाँ का माई। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को एक विशाल मेला भरता है। जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कई यात्री तो यहाँ पर झंडा लेकर पैदल आते हैं। अब हम देखते हैं भक्तगण किस तरह से आनंद ले रहे हैं। जब आप देवनारायण जी के जाओगे तो भक्तगण नारियल सीढ़ियों के पास ही फोड़कर ले जाते हैं। आप यह जो मंदिर देख रहे हो ना, यह साडू माता जी का मंदिर है। बताया जाता है कि जब देवनारायण जी ने कमल के फूल से अवतार लिया तब भगवान माता जी की झोली में आए। भक्तगण यहाँ आते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर आपको भगवान शंकर के भी दर्शन होंगे। आपको यहाँ पर ईंटों के श्याम जी के भी दर्शन होंगे। छोटू बाट देवनारायण जी की गायों से मिलते हुए श्री देवनारायण जी ने सिंध भड़ा में बाट छोटू को जिंदा कर दिया था। यहाँ पर एक हवन कुंड भी है। यह वो जगह है जहाँ नाग देवता यहाँ साक्षात है। नाग देवता इस गुफा में रहता है और इसके लिए प्रतिदिन गाय का दूध रखा जाता है जो नाग देवता पीता है। कई श्रद्धालुओं को तो नाग देवता के भी दर्शन होते हैं। बताया जाता है कि यह वही नाग देवता है जो भगवान देवनारायण जी के साथ थे। यह वो स्थान है जहाँ पर देव जी के अवतार से 6 माह पूर्व भादवी छठ पर इस सुरंग से देव जी के घोड़े लीलाधर का अवतार हुआ। मंदिर के ऊपर जाओगे तो आपको गुरु रूपनाथ जी के भी दर्शन होंगे। यह वो जगह है जहाँ पर साडू माता ने अखंड तपस्या की थी। मंदिर के ऊपर से आप देखोगे तो आपको परिक्रमा रोड भी दिखाई देगी। श्रद्धालु यहाँ आते हैं और परिक्रमा करते हैं। यह जो आप नीम का पेड़ देख रहे हो ना, यह सैकड़ों साल पुराना है। यह नीम का पेड़ अभी भी ऐसा ही है जैसे कि पहले था। इसमें ना ही पानी डालते हैं, यह अपने आप भगवान की कृपा से चलता है। यह एक चमत्कारी नीम है। इसका एक पत्ता कड़वा है और दूसरा पत्ता मीठा है। इन नीम के पत्तों से देवनारायण जी की पाती चढ़ती है और इन्हीं के पर्चे से देवनारायण जी पर्चा देते हैं। जिस जगह पर कमल के फूल से देवनारायण जी प्रकट हुए उस जगह अनंत सुरंग है, जो कि वर्तमान में उस सुरंग पर देव जी की मूर्ति विराजमान है। मंदिर की छत प्राकृतिक चट्टान से बनी हुई है। मंदिर में अखंड ज्योति है। मालासेरी डूंगरी का पत्थर है जो दुनिया के किसी भी पत्थर से मिलान नहीं होता। यहाँ पर पूजा कई सैकड़ों सालों से एक ही परिवार के गुर्जर समाज से पोसवाल गोत्र परिवार के भोपा जी करते हैं। यह जो आप देख रहे हो पैनोरमा को, इसमें आपको कई भित्तियां चित्र देवनारायण जी के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर यात्रियों के लिए स्थायी भंडारा भी है। यात्रीगण यहाँ आते हैं और प्रसादी पाते हैं।